अगर दोस्तों आपके मोबाइल की स्क्रीन पे बार बार ऐड आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, इस तरीके की प्रॉब्लम आपको एंड्रॉयड मोबाइल में ही देखने को मिलती है, आईफोन में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलती है। तो अगर दोस्तों आपके पास किसी भी कंपनी का एंड्रॉयड मोबाइल है तो इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी सेटिंग बताऊँगा जिनको दोस्तों अगर आप अच्छे से यूज़ करते हो तो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आने वाले एड्स 101% बंद हो जाएंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इस टॉपिक में पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, पर दोस्तों गूगल ने अपनी कुछ सेटिंग्स को चेंज कर दिया है जिसके कारण वो पुरानी वाली सेटिंग्स काम नहीं कर रही है। बट दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको वो सारी सेटिंग्स बता दूंगा जिनको यूज करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल की स्क्रीन पे आने वाले एड्स 100% बंद हो जाएंगे। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले सेटिंग के बारे में। सबसे पहले दोस्तों आप अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करोगे। मोबाइल की सेटिंग ओपन करने के बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में आपको एक सेटिंग मिलेगी गूगल, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको बता दूँ ये सारी सेटिंग्स आपको लगभग यहीं देखने को मिलेगी, तो आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है मैनेज योर गूगल अकाउंट, इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक और सेटिंग मिलेगी डाटा एंड प्राइवेसी, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कई सारी सेटिंग्स दिखेंगी, तो आपको गलती से कोई अननेसेसरी सेटिंग्स ऑन नहीं करनी है ना ही ऑफ करनी है। तो मैं आपको जो बताता हूं वही आपको स्टेप्स को फॉलो करना है। तो यहां पे दोस्तों आपको माई एक्टिविटी दिखेगी, तो इस पे क्लिक करना है। इस पे दोस्तों आपको यहां पे पता चल जाएगा कि आपने किस किस एप्लीकेशन को परमिशन दे के रखी है, या फिर दोस्तों आपको कौन सी वेबसाइट है जिनका आपको ऐड आ सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ से बैक आना है, और बैक आने के बाद दोस्तों आपको जो करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको यहाँ पे एक नीचे की साइड में एक सेटिंग मिलेगी माई एड सेंटर, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देखोगे आपके फ़ोन में ये सेटिंग्स ऑन होगी, ठीक है। तो मैंने ये पहले से ऑफ करके रखी है जिससे दोस्तों मेरे फ़ोन में कोई भी ऐड नहीं आता है। तो आपके फ़ोन में कुछ इस तरीके से ऑन होगी, टर्न ऑन होगी। यहाँ पे मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ओटीट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कुछ ऑन होगी, तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद टर्न ऑफ करना है, और टर्न ऑफ करने के बाद गोटीट कर देना है। गोटीट करने के बाद दोस्तों आपको ये जो सेटिंग है यहाँ पे हो गई है। अभी और जो सेटिंग करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद दोस्तों आप अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करोगे। मोबाइल की सेटिंग ओपन करने के बाद आपको जाना है ऐप्स में, ऐप्स वाली सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक सेटिंग मिलेगी ऐप मैनेजमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको अपने फ़ोन में वो एप्लीकेशन देखने हैं जो आपको पता ही नहीं है कि आपने इंस्टॉल करे हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे एप्लीकेशन जब भी दोस्तों आप किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो वहाँ पे फालतू के एप्लीकेशन ऑटोमेटिक आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाते हैं। तो अगर दोस्तों आपके फ़ोन में कुछ इस तरीके के एप्लीकेशन दिखते हैं तो तुरंत ही उसको अनइंस्टॉल कर देना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से अनइंस्टॉल कर दोगे अगर आपके फ़ोन में कोई भी ऐसा एप्लीकेशन दिखता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इनकेस अगर आपके फ़ोन में ये सारी सेटिंग्स को अप्लाई करने के बाद भी ऐड आ रहे हैं तो आपको लास्ट एक ऑप्शन बचता है, वो करना होगा। तो इसके लिए दोस्तों आप सिंपली बैक आ जाएंगे, कुछ इस तरीके से बैक आ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करना है। मोबाइल की सेटिंग ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च करना है रीसेट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ रीसेट, कुछ इस तरीके से रीसेट सर्च करोगे। इसके बाद दोस्तों आपके फ़ोन में सेटिंग मिल जाएगी रीसेट फोन, इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे करना है इरेस ऑल डाटा पे, और यहाँ से आपको अपना पासवर्ड डाल देना है जिससे दोस्तों आपके जो डाटा है वो सारी की सारी डिलीट हो जाएगी, और जो भी आपके मोबाइल में फालतू के एप्लीकेशन ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो गए होंगे वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। तो लास्ट में आपको दोस्तों यही ऑप्शन बचता है, अगर आप ये सारी सेटिंग जो मैंने पहले बताई थी अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो आप इस सेटिंग्स को यूज करके आप अपने मोबाइल में आने वाले एड्स को बंद कर सकते हो। फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर दोस्तों आप मुझसे इंस्टाग्राम पे बात करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आपको यहाँ स्क्रीन पे भी शो हो रही होगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करना।